अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू समेत चार केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई और सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में सीमांध्र और रायसलीमा के तीन मंत्रियों, 10 विधायकों और चार विधान परिषद सदस्यों ने गुरुवार देर रात इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में गंता श्रीनिवास राव, राजू प्रताप रेड्डी और टी जी वेंकटेश शामिल हैं। तेलंगाना के फैसले के विरोध में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के 9 विधायकों और 3 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। इसी मामले को लेकर 6 मंत्री पहले ही मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। 5 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में तेलंगाना का बिल नहीं लाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया में अभी 5-6 महीने का वक्त लगेगा, बाद में सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। और वहीं तेलंगाना बिल पेश होने में जहां देरी होने की बात शिंदे कह रहे हैं, वहीं विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि तेलंगाना बिल को मानसून सत्र में ही लाया जाना चाहिए। अलग राज्यों की मांग को लेकर हो रही हिंसा के बीच में सरकार ने शांति की अपील की है। गृहमंत्री शिंदे ने कहा है कि वो हर किसी की शिकायत सुनने को तैयार हैं, हालांकि उन्होंने दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की संभावना से इनकार किया। हाईकोर्ट की कड़ी